आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी की विशेष पेशकश कान्हा के देश में गोमांस की पार्टी। और इस गोमांस की पार्टी कहीं जंगल में नहीं हो रही है, कहीं चोरी छुप के नहीं हो रही है, तो इस देश के सर्वोच्च स्थान, देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास जहां पर है, राष्ट्रपति निवास जहां पर है, देश का सर्वोच्च न्यायालय जहां पर है, जहां पर कानून में दिल्ली एनसीआर में ऐसे किसी भी प्रकार के हत्या करना, गाय की उसके मांस को खाना या उसका मांस साथ में पाया जाना गैर कानूनी है ऐसा कहा जाता है, उसी दिल्ली एनसीआर के एक विश्वविद्यालय में खुला निमंत्रण देके हो रही है। और ये मांस केवल इस तरीके से चोरी छुपके खाने के बजाय उसको उत्सव के तौर पर गो मांस खाने का उत्सव मनाया जा रहा है उस देश में जहां पर कान्हा की करोड़ों लोग पूजा करते हैं। स्वामी जी, क्या ये एक हमारे देश में कितनी विचित्र बात है कि इतनी भागवत कथाएं होती है, इतने महाराज लोग का प्रवचन देते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, और इधर ये पार्टी के विरोध करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है? ये वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं ना, ये तो शुरू से एक अड्डा रहा है वामपंथियों का। अभी तो पिछले 10-15 साल में ही तो विद्यार्थी परिषद भी आई है, परंतु उनके जो स्टूडेंट सिलेक्शन है, उनके जो फैकल्टी सिलेक्शन है, वो ज़्यादातर इस ध्यान में रखते हैं कि जो वामपंथी लोग हैं उन्हीं को लेना है, जो नहीं है उनको उतार देते हैं, गलती से उनको ले भी ले लें। तो एक वो कैंपस तो ऐसे ही है, तो उस कैंपस में होगी इसका वहाँ विरोध होगा तो मुझे आश्चर्य होगा। हाँ, परंतु कैंपस में ये कैंपस में आज नहीं परंतु अनेक और विषयों पर भी जो हमारी संस्कार हैं, संस्कृति है, उनके विरुद्ध में इस कैंपस में होता रहा है। सिर्फ इसका विरोध रोकने के, इसकी जो काम है इसको रोकने के लिए पुलिस का काम है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का काम है, उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे। और वहाँ के प्राध्यापक भी इसमें सम्मिलित है, बल्कि इसको प्रेरणा देने के पीछे प्राध्यापक हैं। नहीं, विद्यार्थियों से ज़्यादा बुरा प्राध्यापक हैं, क्योंकि विद्यार्थी अभी युवक हैं, उनके विचार बदल सकते हैं, उनको गलत विचार दिया गया तो वो जब वो दूसरी विचार देखते हैं बदल सकते हैं। लेकिन ये जो वहाँ के प्रोफेसर हैं, अधिकांश लोग आए हैं क्योंकि वो वामपंथी हैं और उनका जो एक नेटवर्क है उसमें वो चुनकर आते हैं। इनके वो वामपंथी नहीं होंगे तो चुने भी नहीं जाएंगे, प्रोफेसर नहीं बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बनेंगे। तो इसीलिए प्रोफेसर्स में ये है, ये तो एक फैशन है उनके लिए, क्योंकि वो कम्युनिस्ट माइंडेड हैं, तो फिर जितना हिंदू का नाश कर सके, हिंदू का हीन भावना पैदा कर सके वो करेंगे। बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि जेएनयू से ही ज़्यादातर मीडिया वाले आते हैं। ये तो बट मीडिया वाले जेएनयू से बाहर निकलने के बाद बदल जाते हैं। लेकिन शायद पूरे नहीं बदलते। नहीं, वो नेचुरली वो एलीट सोसाइटी है जो आज पश्चिमीकरण हो गए ना, कि ज्यादा वामपंथी के साथ ये भी जुड़ गई है कि अंतर्राष्ट्रीयकरण, पश्चिमीकरण, उसमें अब जो रहन सहन है, ये तो महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जब आप पश्चिमीकरण होती है आपने आप सब बदल देते हैं, आपका आप हाथ से नहीं खाते हो, आप फोर्क से खाते हो, इस तरीके से बदल हो जाती है, तो उसमें वो जाते हैं वो, परंतु वो वामपंथी तो बिल्कुल रहते नहीं है। बिल्कुल। अरे जी, आप शायद ऋषि से डायरेक्ट कुछ बात करना चाह रहे थे। ऋषल, जैसे आपने बात कही कि विदेशों में गौ मांस खाया जाता है, विदेशों में तो कुत्ता भी खाया जाता है, विदेशों में कई जानवर खाए जाते हैं, वो क्यों नहीं खाते आप, उसकी पार्टी क्यों नहीं करते? दूसरी बात नहीं, इसी का पहले जवाब लीजिए ऋषि जी। हाँ, विदेशों में कुत्ता भी खाया जाता है तो आप खाएंगे क्या? नहीं सर, कुत्ता विदेशों में खाया जाता, हमारे देश में नहीं खाया जाता है। मैं जेएनयू की बात कर, जेएनयू कैंपस की बात कर रहा हूँ मैं। जेएनयू कैंपस में जब बकरे की पार्टी होती है या मुर्गे की पार्टी होती है तो उस पार्टी को क्यों नहीं रोका जाता है? जब हम लोग गौ मांस की पार्टी कर रहे हैं तो उस पर इतना हो हंगामा क्यों हो रहा है? नहीं, आपका ही तर्क था ना कि दुनिया के कई देशों में गाय को खाया जाता है, तो दुनिया के कई देशों में बल्कि भारत के भी कुछ राज्यों में कुत्ते को खाया जाता है। सर, कुत्ते को खाते हैं आदिवासी खाते हैं, जिस राज्य में आदिवासी वो खाते हैं। आप भी आदिवासी लग रहे हैं भाई, हमें आप भी मुझे आदिवासी लग रहे हैं। देखिए, मैं पहले गाय की उपयोगिता बता दूं। गाय केवल जिस आप अगर उसको माता ना माने, हिंदू
समस्त भारतवासी उसको गौ माता मानता है। उसकी उपयोगिता ये है कि गाय पृथ्वी का एकमात्र प्राणी है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लेता है और साथ ही उससे दुगनी अवस्था में ऑक्सीजन छोड़ता है। गाय प्रकृति की आवश्यकता अनुसार 21% ऑक्सीजन लेकर के मात्र 5% रख करके 16% वापस दे देता है। और अगर आप खुद ये अनुभव करना चाहें, गाय के पीठ पे आप अगर 15-20 मिनट तक हाथ फेरेंगे ना तो आपका ब्लड प्रेशर बड़ा नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे कई रोग हैं जो गौमूत्र से, गोबर से कैंसर, प्रसूति और आपका चर्म रोग, ऐसे कई असाध्य रोग आप उससे दूर करते हैं। आप उसको केवल एक पशु मान रहे हैं, ये वामपंथी सोच है। आपको पहले ये जानना चाहिए कि आप जन्म काल से लेकर के मृत्यु काल तक गौ का क्या महत्व है। आप करोड़ों भारत नहीं, आप इतनी चीजें उनको बताने के बजाय क्या ऋषि इसमें से किसी चीज से आप सहमत हैं? स्वामी जी का भी कहना ठीक है सर, लेकिन जो हमारे मुद्दे भी ठीक है, हम पार्टी करेंगे। और मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको कि कांग्रेस और बीजेपी को एक मुद्दा बन जाएगा, मिल जाएगा अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस पे। तो क्या आप इनको मुद्दा देने के लिए ऐसा कह रहे हैं? मुद्दा देने के लिए, लेकिन उनको मुद्दा मिल जाएगा ना, संसद में बहस करने के अलग मुद्दा मिल जाएगा। और स्वामी जी, क्या ये जो पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेके बात कर रहे हैं, कि आपको लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार का माहौल आपने पूरे देश में खड़ा किया है उससे ध्यान भटकाने का भी तो कहीं इसके पीछे का एक उद्देश्य नहीं है? नहीं, मैं इसका वैसे स्वागत करता हूँ, क्योंकि आज समय आ गई है कि हम लोगों के मस्तिष्क में और हमारे विचारों में एक मंथन आनी चाहिए कि हम क्या हैं। ये वास्तव में आइडेंटिटी क्राइसिस है हमारे देश की। शुरू से क्या हुआ कि अंग्रेजों ने कहा कि हम आर्यन हैं, द्रविडियन हैं। अब तो डीएनए ने सिद्ध कर दिया कि आर्यन द्रविडियन थ्योरी बोगस है। सारे ब्राह्मण हो या शूद्रा हो या शेड्यूल कास्ट हो, ट्राइबल हो, सबकी डीएनए एक ही है। अब इस कारण से अब वो थ्योरी चले गई, तो दूसरे किसी थ्योरी लाने के लिए ये सब तड़प रहे हैं ये वामपंथी लोग कि इस देश में जो हिंदू के नाम पर इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर कुछ नहीं रहेगा, उसका बंटवारा कैसे की जाए। उसमें उनका सोच विचार चल रही है और उनके दृष्टि से वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। हम लोगों को भी इसका स्वागत करनी चाहिए और इसमें डिबेट करानी चाहिए और जेएनयू में स्टूडेंट्स से हमें चैलेंज करनी चाहिए कि आप दिखाइए कि आपको कैसे मूलभूत अधिकार मिलती है जिसमें कोई अंकुश ही नहीं लगती है। कल आप कह देंगे कि मैं मनुष्य को खाऊंगा, क्योंकि जब हम गाय को खा सकते हैं तो मनुष्य को क्यों नहीं खा सकते? और दुनिया के कुछ देशों में मनुष्य वैसे भी खाए जाते हैं, अफ्रीका में वगैरह। ऋषि इस पर क्या कहेंगे? स्वामी आपकी बात बीच में रोकते उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं ना कि दुनिया के कई देशों में मनुष्य के मुर्दे को भी खाया जाता है। जी सर, अभी भी खाए जाते हैं बहुत सारे देश में। आप जिसको काले पानी की सजा मिलती है वहाँ जाके छोड़ दिया जाता है 10 मनुष्य को, और वहाँ पे खाने पीने के कुछ नहीं मिलता, तो वहाँ एक दूसरे को नोच के खाते हैं ना। ये बताइए, हमारे देश में सबसे बड़ी भ्रष्टाचार उससे बड़ा ये जानकारी आपकी सही नहीं है। मैं दर्शकों को भ्रमित नहीं होने दूंगा इस जानकारी से। एक दूसरे को नोच के खाने की स्थिति जेल में नहीं है। कुछ देश में, कुछ क्षेत्रों में बॉडी को खाने की बात जरूर है। तो क्या आप खाएंगे ऐसी डेड बॉडी को? नहीं सर, हमारे क्योंकि आपके जैसे लोग अगर ऐसा खाने लगेंगे तो शायद अन्न की समस्या जो देश में है वो कुछ कम हो सकती है। सर, इस पे मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूंगा सर। हाँ स्वामी जी, आप बात करते हैं। देखिए, इसीलिए ये जो नौजवान आते हैं जेएनयू में उनका दिमाग तैयार करने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए ये सारी चीजें बनाई जाती है। वो मैं कहूंगा कि मुझसे डिबेट करो तो कोई नहीं तैयार होगा। क्योंकि तथ्यों पर वो टिक नहीं सकते। वो कंचा अल्लाह या हो या कोई भी हो, और वो भी वामपंथी हो, अमर्त्य सेन तो हमारे से